नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति कुशवाहा। आइए देखिए खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का घमासान तेज हो गया है। एमपी की दतिया पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा के गढ़ में हुंकार भरते हुए आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाने के संकेत दिए। तो कांग्रेस की सरकार बनने पर भाजपा के इशारे पर काम करने वाले सरकारी अफसरों को दुरुस्त करने की चेतावनी भी दी। स्थानीय किला चौक पर कांग्रेस की एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और अति प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आज पुष्य नक्षत्र है और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सनातनी वेशभूषा में वैदिक रीति रिवाज के अनुसार देवी पीताम्बरा मंदिर में पूजन किया। पूजा अर्चना करने के बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और दतिया जिले की तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशियों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 15 महीने की सरकार के कार्यकाल को बेदाग साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में ला खड़ा कर दिया। दतिया से ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। 15 महीने की हमारी सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गया। 11.5 महीने मेरे पास थे और हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। ये शुरुआत करी थी हमने मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा देने किश्त माफ किया और अपने छोटे से दतिया में पहली किश्त में 71,000 किसानों का कर्जा माफ किया। मैंने कौन सा पाप किया कि 1,000 गौशाला बनाए 11 महीने? कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा गुनाह मैंने किया कि 100 यूनिट 100 रुपए में बिजली? आप जाके अपनी बिजली का बिल देखिएगा कि कितना आता था पहले और कितना बिल आता है आप। और आने के लिए याद रखिएगा, हमने कहा है 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाँ। कौन सी गलती करी खाने की पेंशन बढ़ाए? कौन सी गलती करी की विवाह के लिए पैसे दिए? ये हमने अपने नीति और नियत का परिचय दिया। मध्य प्रदेश की जनता गवाह है, आप गवाह है, आप गवाह गवाह है ना, आप गवाह है और आप के ऊपर मैं भरोसा कर रहा हूँ। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूँ, शिवराज जी आपने मध्य प्रदेश को दिया क्या? आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, किसानों को अन्याय दिया? एक और भी शिवराज सिंह घर घर में शिकायत की, ये भी शिवराज सिंह। आप तो शिवराज सिंह की घोषणा की मशीन और झूठ की मशीन डबल स्पीड पे चल रही है। 22,000 घोषणा कर दी 18 महीनों में, जहाँ पुल भी नहीं होती, जहाँ नदी नहीं होती पुल की घोषणा कराते हैं। इससे जो बुलवाना है बुलवा लो, मुंह बहुत चलता है, आगे नहीं चलती, कान नहीं चलता, आपका दुख नहीं देख सकते, हमारे नौजवानों की आवाज नहीं सुन सकते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। बहुत अच्छी कलाकार है, मैं तुमसे कहता हूँ बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये अंत में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, 17 तारीख को आप बटन दबाएंगे, आप बटन दबाएंगे, कैसा बटन दबाएंगे? केवल एक उम्मीदवार का बटन नहीं दबाएंगे, केवल एक पार्टी का बटन नहीं दबाएंगे, आपके नौजवानों के भविष्य का बटन दबाएंगे, दतिया के भविष्य का बटन दबाएंगे। आप यहाँ का औद्योगिकरण हुए, जिसके लिए कमलनाथ जिम्मेदार होंगे, आप औद्योगिकरण के लिए बटन दबाएंगे। आप ये अत्याचार और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बटन दबाएंगे, आप गुलामी से मुक्त होने का बटन दबाएंगे, बोलिए दबाएंगे। कांग्रेस पार्टी
यहाँ तो देखिए आपको कमी मंत्री मंत्री नहीं पड़ेगी, मंत्री तो होंगे हमारे अध्यक्ष और राजेंद्र भाई।